देखिए, हमने ओरिजिन ऑफ अर्बनाइजेशन अच्छे से कर लिया है ज्योग्राफी के अंदर, और अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो अर्बनाइजेशन इन इंडिया का टॉपिक है. दिस टॉपिक इज अर्बनाइजेशन. डिफरेंट फेजेस को समझने की कोशिश करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको क्लियर होंगी. एक पूरा का पूरा प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेंगी. स्टार्ट करते हैं. जब हम अर्बनाइजेशन इन इंडिया की बात करते हैं तो इसे डिफरेंट 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है. पहला है द प्री हिस्टोरिक पीरियड 2350 से, यानी कि 2350 बीसी से 1800 बीसी तक. ओके, 2350 बीसी से 1800 बीसी. दूसरा द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड. वर्ड याद रखिए, ये हिस्टोरिकल है, ये प्री हिस्टोरिक है. ये 600 बीसी से 500 एडी तक जाता है. जब हम बात करते हैं द मिडिवल पीरियड, तो ये 600 एडी से 1800 एडी. देन द ब्रिटिश पीरियड 1800 से 1947. देन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का समय. इन चीज़ों को हमें समझना है, काफ़ी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगी. स्टार्टिंग करते हैं अर्बनाइजेशन एंड इंडिया की, और पहला है द प्री हिस्टोरिक पीरियड 2350 से 1800 बीसी. देखिए, हम जब द प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट नेम जो यहाँ पे आता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडिया ने अपना जो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन देखा है, अगर आपसे कोई भी पूछे तो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देख लिया है. ओके, पहला शहरीकरण भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हो चुका था. अल्टीमेटली आप नाम में देख लीजिए, सिविलाइजेशन वर्ड रिजेंबल हो रहा है. ओके, यानी कि इस पीरियड की स्क्रिप्ट तो है, लेकिन वो स्क्रिप्ट अब तक रीड नहीं की गई है, जिसे हम बॉस्ट्रोफेडन कहते हैं. ओके, चलिए समझते हैं इस पीरियड के बारे में, इन शहरों के बारे में, उनके कंसेप्ट्स के बारे में. सबसे पहले जब हम इस पीरियड की बात करते हैं तो इसको लेकर के डिस्प्यूट्स हैं कि इसका सही टाइम क्या था. डिस्प्यूट्स ये हैं कि जब आप मार्टिन व्हीलर का व्यू मानते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये 2500 बीसी से ऑलमोस्ट 1500 बीसी के बीच में सर्वाइव हुआ है पीरियड. लेकिन जब आप डीपी अग्रवाल की बात मानते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये पीरियड 22350 से लेकर के ये 1700 के अराउंड रहा है. तो डिफरेंट टाइम पीरियड यहाँ पर माने गए हैं, लेकिन इसमें एक बात कन्फर्म हो जाती है कि 1700 वो पीरियड माना गया है जिस पीरियड के दौरान आकर के ये श्योरली ही डिक्लाइन को प्राप्त होने लगी है. 1700 बीसी वो टाइम माना गया है जिस टाइम के अराउंड ये श्योरली डिक्लाइन हो गई है. क्लियर एस्पेक्ट? वो डिक्लाइन के प्रोसेस को हम समझेंगे, पहले हम शहरों के एस्टेब्लिशमेंट के प्रोसेस को समझें. ओके, चलिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन. रीजन वाइज अगर हम देखें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत यूनिक है. यूनिक में से इस सेंस में मानता हूँ कि अगर हम इसके ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को देखें तो इसमें पाकिस्तान भी कवर होता है, इंडिया का राजस्थान कवर होता है, हरियाणा कवर होता है, पंजाब कवर होता है, कुछ एरिया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का कवर होता है, कुछ एरिया जम्मू कश्मीर का कवर होता है, कुछ एरिया अफगानिस्तान का कवर होता है, और बहुत हल्के लेवल पर ईरान का कुछ एरिया भी कवर होता है, ऐसा माना गया है. ये सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्रेच है, यानी कि ये ट्रांस माउंटेन, ट्रांस वैलीज, ट्रांस रिवर सिविलाइजेशन है. ये एक लोकलाइज्ड सिविलाइजेशन नहीं थी, ये आपको मान के चलना है. मैंने ये वर्ड क्यों बोला, क्योंकि जब इसके बाद मैं अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड कराऊंगा, उस टाइम पे आर्यंस के समय में जो सिटीज़ बनी हैं, जो सिविलाइजेशन हुई है, वो लोकलाइज्ड थी, वो ट्रांस माउंटेन या ट्रांस रिवर या ट्रांस वैली सिविलाइजेशन नहीं थी. लेकिन ये बहुत ही पैन कॉन्टिनेंटल सिविलाइजेशन थी, डिफरेंट एरियाज तक फैली हुई थी. ये बात क्लियर हो गई? ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है. मेन रिवर जो इसे फ्लो करती थी वो इंडस रिवर थी, तो इसलिए इसका नाम इंडस रिवर सिविलाइजेशन भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन है. इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज के सहारे, यानी कि उसकी सहायक नदियों के सहारे यहाँ पर अर्बनाइजेशन लगा हुआ था. क्लियर एस्पेक्ट? ये उसी समय में आपको ऑब्जर्व होने लगती है जिस समय आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस उभरती हुई नजर आती हैं. एक तरफ इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दूसरी तरफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सुमेरियंस हैं. और मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता लगता है कि सुमेरियंस के बीच में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में व्यापार हुआ करता था. यहाँ की बहुत सी सील्स वहाँ पर पाई गई हैं, वहाँ की सील्स यहाँ पर मिली हैं. सील्स एक खास तरह की टेराकोटा
और कुछ अदर मटेरियल से बनी हुई आप मोहरों के तरह भी यूज़ कर लेते थे इन्हें, मैसेजेस भी होते थे इन पे स्क्रिप्टेड, या कई लोग इसे मान सकते हैं कि ये बहुत वैल्यूएबल है तो करेंसी के तौर पर भी होती थी, बट करेंसी इस समय में नहीं होती थी। इस वे में सील्स का इस्तेमाल हुआ करता था। वहाँ के अगर हम देखें तो कुछ पॉटरीज यहाँ से मिली हैं, कुछ यहाँ की पॉटरीज भी वहाँ से रिकवर हुई हैं। तो ट्रेडिंग रिलेशन हुआ करते थे, तो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। इंटरनेशनल ट्रेड होने का एक प्रमाण ये भी मिला है कि एक नदी हुआ करती थी भोगवा, और ये गुजरात के इलाके की बात है, द गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसे हम आज की डेट में गल्फ ऑफ खंबात के तौर पर जानते हैं। और यहाँ पर आपको एक शहर नज़र आ जाता है लोथल, वो डॉकयार्ड सिटी थी, भोगवा नदी के ऊपर थी, और वो रिवरिन डॉकयार्ड हुआ करता था, यानी कि एक बंदरगाह बना हुआ था, और ये बताता है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड उस समय हुआ करता था। इन चीज़ों को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो मेन शहर यहाँ पर आपको नोटिस हुए, वो शहरों के नाम क्या हैं, दो बड़े मेट्रोपॉलिटन यहाँ पर जो हमें ऑब्जर्व होते हैं, वो मोहनजोदारो है और हड़प्पा है। मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दो इम्पॉर्टेंट साइट्स हमें यहाँ से रिकवर हुई हैं। हम इसे हड़प्पन कल्चर के तौर पर भी जानते हैं। अगर हम इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग चलें तो जहाँ से पता लगा है एक सिविलाइजेशन के बारे में, उसी के नाम पे उस सिविलाइजेशन का नाम भी रख दिया जाता है। इसी बेसिस पे इसका एक नाम हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी आ जाता है। क्लियर आस्पेक्ट? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दो बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं। ऐसा लगता है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से पहले इस्टेब्लिश हुआ था, और ये 7 बार रीबिल्ड किया गया है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे एग्जिस्टेंस में रहने दिया है, उसी को बेस बना करके उस पर बार बार इस पर निर्माण हुआ है, लेकिन बेसिक चीज़ें इंटैक्ट रखी गई हैं। क्योंकि हमें आज दिन तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, उन साइट्स की जो डीप लेयर हैं, यानी कि जो बॉटम लेयर्स हैं, उनको अच्छे से नहीं स्टडी कर पाए हैं, इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट डेटिंग्स अवेलेबल नहीं हैं। इसलिए व्हीलर और डीपी अग्रवाल की डेटिंग्स में फ़र्क आता है। डीपी अग्रवाल कार्बन डेटिंग के हिसाब से बताते हैं, व्हीलर एक्सकवेशन के बेसिस पे बताते हैं। दोनों की डेट्स में इसलिए फ़र्क आते हैं। अभी काफ़ी कुछ स्टडी करना बाकी है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अलावा कुछ और बड़े शहर हुआ करते थे। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा खुद दोनों 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी पर आता था, और मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर आता था। आई बात समझ में? इसके अलावा जो शहर हमें देखते हैं वो हरियाणा में बनवाली मिलता है। बनवाली हरियाणा में पाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आपको हिस्ट्री में मैंने डिटेल में चीज़ें पढ़ाई हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझनी ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट जगह है जिसे हम सुरकोटड़ा कहते हैं। सुरकोटड़ा कहाँ पर मिलता है? ये सुरकोटड़ा ये कच्छ के इलाके में मिलता है, सुरकोटड़ा। इसके अलावा हमें रोजरी मिलता है। रोजरी ये कहाँ पर मिलता है? ये काठियावाड़ के इलाके में मिलता है। बनवाली है, सुरकोटड़ा है, लोथल है, मैंने आपको भी बताया, कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे, रोजड़ी है, मैंने बताया, काठियावाड़, मोहनजोदाड़ो मैंने आपको बताया कहाँ है, और हड़प्पा मैंने आपको बताया है कहाँ है। ये इम्पॉर्टेंट शहर हुआ करते थे। क्लियर आस्पेक्ट? पहला क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसे हमने प्री हिस्टोरिक क्यों कहा है? तीन फेजेज में हिस्ट्री को बांटा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो फेज़ होता है जिसके किसी तरह के कोई रिटन या लिटरेरी एविडेंसेस नहीं हैं। प्री हिस्ट्री वो फेज़ होता है जिसके रिटन एविडेंसेस हैं बट वो अभी डेसिफर नहीं हुए हैं, वो अनडेसिफर्ड हैं, पढ़े नहीं गए हैं। जैसे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के स्तंभ पढ़ लिए गए जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि कब इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को पढ़ा जाएगा। इसलिए ये प्री हिस्टोरिक फेज़ है, रिटन एविडेंसेस तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। हिस्ट्री वो पीरियड है जिसे मेनली मौर्यन पीरियड से माना गया है। मौर्यन पीरियड फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी के तौर पर जानी गई है जिसके बारे में आपको रिटन और लिटरेरी एविडेंसेस मिलते हैं। इस तरह से हिस्ट्री को हम देखते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फेज़ में। जब हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने इन शहरों का जिक्र किया। सबसे पहला कारण ये होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सिटी सुपर इम्पोज्ड सिटीज़ थी या ये सिटी जेनेटिक सिटीज़ थी, यानी कि ये प्राइमरी जेनेटिक सिटीज़ थी या अपने आप से ही पैदा हुई हैं या कोई सुपर इम्पोज सिटी है कि किसी और के द्वारा स्थापित की गई हैं। आप एक बात मान करके चलेंगे, ऐसा माना गया है, डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं कि ये सिटीज़ कैसे बनी। उन थ्योरीज़ में एक थ्योरी बहुत सटीक बैठती है कि पहले से ही बहुत सारे यूनिक विलेज लेवल कल्चर एग्जिस्ट यहाँ पर करते थे।
डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे नियोलिथिक एजेस से ही। 9000-8000 BC ऑनवर्ड वो डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। मैं उन्हें कल्चर्स इसलिए कह करके पुकार रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक विलेज अगर आपको मिला, विलेज का नाम, कोई भी विलेज का नाम आप मान लीजिए कि, जैसे मैं आपको कल्चर्स के नाम इसलिए बता रहा हूँ, हम हिस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे, अदरवाइज झुककर कल्चर है, बहुत सारे कल्चर्स हैं, वो नाम हो सकते थे। मान लीजिए एक ए विलेज है, इस ए विलेज में जिस तरह का एग्रीकल्चर रहता है, हाउसिंग पैटर्न जैसा रहता है, स्ट्रीट्स जैसी रहती हैं, बर्तन बनाने का तरीका जैसा रहता है, पॉटरीज, औजार बनाने का, इम्प्लीमेंट और इक्विपमेंट बनाने का तरीका जैसा रहता है, अगर वो इसके सराउंडिंग विलेज रीजन में भी सब जगह पे विलेजेस में पाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक कल्चर हो जाएगा। यानी कि समाज ने अपने आप को डिवीज़न ऑफ लेबर के कंसेप्ट में इसी तरह से डाल रखा है, उसी तरह की पॉटरी बनाई जाती है, उसी तरह के ट्रेड कमर्स रिलेशन हैं, उसी तरह का एग्रीकल्चर पैटर्न है, और सोसाइटी में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्कुल वैसी हैं जैसी उस विलेज में नज़र आ रही हैं। तो ये विलेज उन सारे विलेजेस तक ये कल्चर पेनिट्रेट हो रहा है, तो जो प्राइम विलेज है, मेन विलेज है, या जिससे सब कुछ आगे निकला है, उस विलेज के नाम पर या उस कम्युनिटी के नाम पर हम उस कल्चर को जानते हैं। तो ये कल्चर्स हैं। इस तरह के पहले से काफ़ी सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे, वो सभी कल्चर्स एक दूसरे के साथ अमेलगमेट हो गए, और उनके अमेलगमेशन से, उनके आपस में समावेश हो जाने से, मिल जाने से, एक बड़ा कल्चर पैदा हो गया, और वो कल्चर था हड़प्पन कल्चर, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हरकवल एक इंडिजीनियस सिविलाइजेशन है, ऐसा माना गया है। इसका यहीं पर जीनस है, यहीं पर इसका ओरिजिन हुआ है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे भारत की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन जो हमें मिलती है, अर्बन सिटीज़, जो सिटीज़ हमें मिलती हैं, जो अर्बनाइजेशन मिलती हैं, वो सुपर इम्पोज्ड नहीं थी, वो बाहरी से किसी के द्वारा आकर के बनाई हुई नहीं है, वो इंडिजीनियस कल्चर से आपस में अमलगमेट हुए हैं, उनके कॉलोसेंस, उनके कंसंट्रेटेड वर्जन के फॉर्म में हमें नज़र आई है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बात क्लियर हुई? चलिए, जब हमने इस सिविलाइजेशन को देखा तो हम इसे क्यों अर्बन कह रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। इसे अर्बन कहने के कुछ कारण हैं, वो कारण अगर हम देखें तो क्लैरिटी हो जाती है। चलिए, तो मैं अब प्रमाणित करता हूँ कि ये अर्बन कैसी थी। सबसे पहली यूनिक चीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये नज़र आती है कि जब हमने मोहनजोदारो और हड़प्पा की आपके सामने बात की, तो इनके सिटी में लोग रह रहे लोग थे, जो सिटी डिवेलर्स हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत ही एक्सटेंसिव विलेज सोसाइटी एग्जिस्ट किया करती थी। यानी कि विलेजेस बहुत ज़्यादा नंबर में अवेलेबल हुआ करते थे, बहुत ही फ्यू सिटीज़, उससे थोड़े ज़्यादा टाउन्स, और लेकिन कहीं ज़्यादा गुना गांव दिखते थे। तो विलेजेस बहुत सारे हुआ करते थे। ओके, विलेज सोसाइटी बहुत एनरिच्ड थी, और ये एनरिच्ड विलेज सोसाइटी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अल्टीमेट लेवल पर सरप्लस प्रोडक्शन किया करते थे। ओके, तो इनकी सरप्लस प्रोडक्शन ही इस बात का आधार बनी कि ये लंबे समय तक शहर के उन लोगों को समर्थन दे सकते हैं जो लोग प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। प्रोडक्शन किस चीज़ का? एग्रीकल्चर का। तो एक तरह से हड़प्पन टाइम के जो अर्बन एरियाज थे, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग जो बैकबोन है, वो बैकबोन विलेजेस हैं। वो विलेजेस पर डिपेंड करते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और अपने कई तरह के कल्चरल आस्पेक्ट्स के लिए भी। और विलेजेस डिपेंड करते हैं हड़प्पन वैली के अर्बन एरियाज़ के ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये अर्बन एरियाज ही हैं जो विलेजेस की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो अर्बन सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो विलेजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ सरप्लस, फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिजन्स, हैंडीक्राफ्ट और एवरीथिंग। आई बात समझ में? इस तरह से ये सिस्टम यहाँ पर चला। और जब एक बार सरप्लस प्रोडक्शन होने लगेगी तो नेचुरली ट्रेड एंड कमर्स तो डेवलप होना शुरू ही हो ही जाएगा। हड़प्पा वैली की एक खासियत आस्पेक्ट ये भी था कि हड़प्पन सिटीज़ जो हैं, ये बहुत ही वेल लेड आउट पैटर्न पर बनाई गई थी। यानी कि बहुत ही प्लानिंग के साथ, डिस्कशन के साथ, डेलिब्रेटेड सेंस में डिटेल्ड लेआउट्स बनाए गए थे। आई बात समझ में? ओके, वेल लेड आउट लेआउट्स थे, प्लान्स थे। यानी कि ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि स्ट्रीट्स ऑर्गेनाइज्ड हुआ करती थी, स्ट्रीट्स की विड्थ, स्ट्रीट्स की लेंथ, सब कुछ डिसाइडेड हुआ करता था। और ऑलमोस्ट हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे स्ट्रीट्स में एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आई है।
स्ट्रीट्स में यूनिफॉर्मिटी का आधार रहा है बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करना। एक समय में हड़प्पन हाउसेज में बर्न्ट ब्रिक्स पकी हुई ईंटें इस्तेमाल होनी बंद भी हो गई थी, लेकिन उन शहरों में भी या उन गाँव में भी सड़कों में या नालियों में हमें पकी हुई ईंटें लगी मिली हैं। ये बड़ी बात है, यानी कि हाई सेंस ऑफ सिविक अमेनिटीज इनका दूसरा नमूना था। वो किस तरह से पता लगता है? क्योंकि यहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग दिखता है और वो ड्रेनेज अंडरग्राउंड हुआ करती थी। तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, हर घर से अंडरग्राउंड ड्रेन बाहर आया करती थी, ओपन ड्रेनेज नहीं हुआ करती थी, और वो ड्रेन सिटी की मेन ड्रेन से कनेक्ट होती थी। और जितना भी गार्बेज घरों से सिटी की ड्रेन में आ रहा है उसे सिटी ड्रेन में ही एंड पे चौरस्ते पे लगे हुए मैन होल में खाली कर दिया जाता था। यानी कि वो मैन होल बनाए जाते थे, उन मैन होल में लोग घुसते थे, इसलिए नाम भी मैन होल है, और वो सारा गार्बेज निकाल दिया जाता था। तो कुल मिलाकर के ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। इससे क्लियर होता है कि सिविक सेंस बहुत स्ट्रांग था, हेल्थ एंड हाइजीन का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग था, सैनिटेशन का कंसेप्ट स्ट्रांग था। सैनिटेशन है, हेल्थ हाइजीन है, सिविक सेंस है, तो सिविलाइजेशन तो कहेंगे ही। स्ट्रीट्स वेल लेड आउट हैं, ग्रिड पैटर्न के ऊपर शहर बनाए जाते थे, और ग्रिड पैटर्न का यहाँ पर मतलब ऐसा लगता है कि वेल हाईली वेंटिलेटेड सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था कि शहर ईस्ट टू वेस्ट होने चाहिए गलियाँ, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से सड़कें एक दूसरे को काटती थी और ये एरियाज में घर हुआ करते थे। आज सारा चंडीगढ़ आपको इसी पैटर्न पर नज़र आएगा, जो कि आज़ादी के बहुत बाद अच्छे से प्लान किया हुआ है एक शहर है, क्योंकि ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जो न्यूली कार्व्ड आउट स्टेट्स थे उनको अपनी कैपिटल्स बनाने की एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर चंडीगढ़ बना है। इसी तरह से नई नई राजधानियां आपको बनती दिखेंगी, और जितनी भी न्यू कैपिटल्स बनी हैं आज़ादी के बाद आप देखेंगे वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। ओके, तो ये इस तरह से ग्रिड पैटर्न सिस्टम था। शहरों में हवा आने जाने का प्रबंध खास था, और ग्रिड पैटर्न बनाने का एक खास नमूना यहाँ से भी नज़र आता है कि अटैक्स का डर नहीं था। इसके बाद अगर आप आर्यंस को और मॉडर्न पीरियड को और उसके बाद अगर आप देखेंगे, आप एक चीज़ देखेंगे कि रेगुलर अटैक्स का डर रहता है। इसलिए किंग का पैलेस सेंटर में होता है और बाकी सारे घर बहुत ही नैरो स्ट्रीट्स और बहुत ही नैरो वे में कॉम्पैक्ट स्टाइल में बना दिए जाते हैं। शहर बहुत ही कंसंट्रेटेड सा लगता है, इतना वेल लेड आउट नहीं, क्योंकि आपको आक्रमण का डर रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, पंजाब के गांव से आज भी आपको ये फीलिंग आ जाएगी। गलियां बहुत संकरी रखी जाती थी, नैरो रखी जाती थी कि घुड़सवार और जो बग्गियां हैं, जो योद्धा हैं, वो भाग ना पाएं, और एट द एंड पूरा गांव या पूरा शहर एक वॉल पे जाके ख़त्म होता था कि अगर कोई एंटर हो गया तो वो निकासी ना हो सके उसी, उसे आप पकड़ लें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस समय में ऐसे अटैक्स का डर नहीं था, क्योंकि ये इंडिजीनियस कल्चर से बनी हुई एक सिटी थी जिसमें ये पॉलिटिकल सिटी के तौर पर नहीं मानी गई है। प्री हिस्टोरिक फेज की अर्बनाइजेशन की खासियत ही ये है कि ये बहुत स्लो अर्बनाइजेशन हुई, बट बहुत ही ग्रेजुअल सेंस में अर्बनाइजेशन हुई, इसलिए इसे हम कल्चरल अर्बनाइजेशन कहते हैं। ये कल्चरल सिटीज़ हैं, ये सिटीज़ कल्चर्स की देन है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एक साथ आए। इसलिए आप देखिए 2500 BC से 1700 BC, एक लंबा समय लगता है इन सिटीज़ को खड़ा होने में, बनने में, और फिर ख़त्म होने में भी इतना उतना ही समय लगा। इसके बाद की जो सिटीज़ आप देखेंगे वो डिफरेंट डायनेस्टीज़ के ऊपर डिपेंड हैं। शासक आते गए, जीतते गए, अपनी नई कैपिटल बनाते गए, थोड़े समय के लिए वो कैपिटल सिटी है, थोड़े समय के बाद अगर वो शासक हार गया, दूसरा रूलर आया, उसने उसे अबेंडन किया, नई सिटी बनाई, तो उसका नया शहर है। तो ये पॉलिटिकल सिटीज़ हैं। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स का टाइम आएगा, इसके पहले ही मुग़लों के समय से ही आपको इंडस्ट्रीज़ लगनी दिख जाएंगी, और इंडस्ट्री के बेसिस पे जब ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर जो आपको उनके बेसिस पे लगने वाले शहर मिलेंगे वो कमर्शियल सिटीज़ होंगी। तो आपको भारत में कल्चरल सिटीज़ भी मिली, आपको पॉलिटिकल सिटीज़ भी मिली, और कमर्शियल सिटीज़ भी मिली। समय बदलता चला गया, इस तरह से एक आपको पैटर्न नज़र आता रहा, एक एवोल्यूशन हुआ है सिटीज़ का, उसके मल्टीपल पर्पज़ आपको देखने को मिले हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो अटैक्स का डर कम होने की वजह से ग्रिड पैटर्न यहाँ पर सपोर्ट हो सकता था। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, टाउन्स बनाने की क्रिया बहुत ज़बरदस्त रहा करती थी। कैसे शहर बनाए जाते थे ध्यान से देखिए, जो शहर का मेन एरिया है जो वेस्टर्न साइड है उसे सिटाडेल कहा जाता था। सिटाडेल की ये खासियत हुआ करती थी कि सिटाडेल रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था, जो रेज्ड प्लेटफॉर्म बर्न्ट ब्रिक्स का बनाया जाता था। उस सिटाडेल में कई बिल्डिंग्स हुआ करती थी, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग सिटाडेल लिखे हैं। इस सिटाडेल में कई बिल्डिंग्स हुआ करती थी, मेन पब्लिक हॉल हुआ करते थे, काउंसिल बिल्डिंग्स हुआ करती थी,
यहाँ पर नोबल्स रहा करते थे, प्रीस्ट रहने प्रीस्ट की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, यहीं पर आपको मेन ग्रेनरी हाउस या स्टोर हाउस नज़र आता है, यहीं पर आपको बिग बाथ नज़र आता है, द ग्रैंड बाथ नज़र आता है। ये सारी बिल्डिंग्स ऑफ इम्पॉर्टेंस आपको सिटाडेल में नज़र आती हैं। इस सिटाडेल को वॉल से कवर किया जाता था, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। कई बार आपको पूरी सिटी भी वॉल्ड से कवर नज़र आएगी या फिर सिटाडेल कवर नज़र आएगा। इसके अलावा आपको जो नज़र आता है वो सिटाडेल के नीचे, उसे लोअर टाउन कहा जाता था। लोअर टाउन में सभी कमर्शियल मैन्युफैक्चरर, आर्टिजन्स, सभी लोग रहा करते थे और ये ग्रिड पैटर्न पर लेड आउट होता था। आई बात समझ में? उसमें स्ट्रीट्स बनी होती थी, घर बने होते थे। घरों से पता लगता है कि घर वन रूम घर यानी कि बराक भी थे, घर डबल रूम भी थे, घर मल्टीपल स्टोरीज थे, टू स्टोरी और थ्री स्टोरी हाउसेज हैं। इनसे पता लगता है कि सोसाइटी में एक इकोनॉमी लेवल पर क्लासेस बनी हुई थी, यानी कि इकोनॉमिक क्लासेस एग्जिस्टेंस में थी, वो घरों के प्रकार से पता लग जाता है। ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। शहर चूँकि पूरी तरह से गांव पर निर्भर है, गांव सरप्लस प्रोडक्शन कर रहा है, क्रॉप को वहां से इकट्ठा करना, प्रोडक्शन के लिए लोगों को मोटिवेट करना, उसे इकट्ठा करके ग्रेट ग्रेनरी में स्टोर करना और स्टोर करने के बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, इससे पता लगता है कि एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग थी। जो लोग इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते थे शायद वही एक तरह की रूलिंग क्लास के तौर पर भी रूल करते थे। ऐसा पाया गया है, ये चीज़ में आज दिन तक क्लैरिटी नहीं है कि या तो प्रीस्टली क्लास रूल किया करती थी या फिर मर्चेंट क्लासेस रूल किया करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको किंगडम बेसिस पर रूलर्स नहीं अभी देखने को मिलेंगे। ये एक स्ट्रांग चीज़ है। आई बात समझ में? अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो यहाँ पर देखने को मिला है, आपको ईंटें बनाने के प्रकार में एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है सभी शहरों में। सड़कों के आकार में यूनिफॉर्मिटी है सभी शहरों में। ड्रेनेज पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी है सभी शहरों में। सील्स जो बनाई जा रही हैं यूनिफॉर्म है सभी शहरों में। ट्रेड एंड कॉमर्स का सिस्टम बहुत यूनिफॉर्म है सभी शहरों में। इससे ये पता लगता है कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई एक सेंट्रल लेवल प्लानिंग बॉडी हुआ करती थी जो वेट्स एंड मेजर्स, ब्रिक्स की साइज़, ब्रिक्स का डायमेंशन, ब्रिक्स का टाइप एंड नेचर, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज पैटर्न, हाउसेज, सिटाडेल्स एंड आउटर वॉल्स, इन चीज़ों को प्लान किया करते थे। तो प्लानिंग बहुत सेंट्रल आस्पेक्ट माना गया है इनका। जब हम इनकी बात करते हैं, ये ईंटें इसलिए पकाया करते थे क्योंकि ये पकी ईंटों के सहारा ही घर बना लिया करते थे। कई घर थैचड होते थे, कई घरों की छत जो है वो पकी हुआ करती थी। लेकिन इसमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं पर भी आपने लिंटल डालते हुए या घर बनाते हुए आयरन बार्स का इस्तेमाल नहीं किया। आपको घरों से आयरन बार्स नहीं मिलते। इसे ये प्रमाणित होता है कि इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। कॉपर इजीली अवेलेबल होता था, उसे टिन से मिक्स किया जाता था, ब्रॉन्ज बनाया जाता था और ब्रॉन्ज के इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। जुते हुए खेत दिखते हैं। जब आप राजस्थान जाते हैं वहाँ पर आपको कालीबंगा नज़र आता है। कालीबंगा में आपको ऐसे खेत नज़र आते हैं जो शायद प्लो किए हों। इससे पता लगता है कि एग्रीकल्चर का हाई सेंस था, खेत प्लो किए जाते थे। आपको बहुत से टॉयज़ मिलते हैं जिन टॉयज़ में टेराकोटा मटेरियल से आपको बग्गियाँ बनी मिलती हैं, कार्ट्स जिसे बच्चे खेलते होंगे। इससे पता लगता है अनाज लाने ले जाने वाली बग्गियाँ हुआ करती थी। यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन यहाँ पर था। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाए गए, कार्ट्स बनाए गई, ऑक्स ड्रिवन कार्ट्स हुई, वेल प्लॉज बनाए गए, न्यू एक्सेस बनाए गए। इन सारी चीज़ों की मदद से एग्रीकल्चर में एक ज़बरदस्त उछाल आया। इरिगेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस नज़र आता है। समुद्र यात्राओं का जिक्र नहीं मिलता लेकिन समुद्र शब्द का जिक्र आता है। समुद्र शब्द का जिक्र यहाँ पर रिजर्वायर के सेंस में आता है। ऐसा लगता है कि उन रिजर्वायर्स के थ्रू इरिगेशन किया जाता था। नदियाँ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्लाइमेट बहुत फेवरेबल था। जो समर्स हुआ करती थी वो वेट एंड ह्यूमिड एंड हीट हुआ करती थी, हॉट हुआ करती थी, लेकिन जो विंटर्स हैं वो माइल्ड हुआ करती थी। वर्षा ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, सेम मेसोपोटामिया वाली कंडीशन। लेकिन नदियों की वजह से एलुवियल सॉइल और उस नदी की वजह से नेविगेशन प्रोवाइड करना, सिटी को वाटर की जो भी हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन प्रोवाइड करना, और रिवर्स यहाँ पर पाई गई हैं जैसे सोन नदी है और सिंधु नदी भी। ये नदियाँ गोल्ड भी प्रोवाइड किया करती थी, तो गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हुआ करता था इस समय का। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जिनसे पता लगता है कि हाई लेवल एग्रीकल्चरल ग्रोथ, हाई लेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है और हाई लेवल ऑफ प्लानिंग एंड बेटर वे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने इन्हें अर्बनाइज्ड किया है। शहरों को परफेक्ट किया गया था, यानी कि डिफरेंट शहर डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए माहिर थे।
जैसे चन हुदड़ों की बात करें तो चन हुदड़ों बीड्स बनाने में, मोती बनाने में बहुत माहिर हुआ करता था, तो वो अपने आप में विकसित था, मोती बनाने का कार्य करता था। कालीबंगा मिट्टी के बर्तन और मिट्टी का कार्य करने के लिए बहुत माना गया है, तो जितने भी मड क्ले से बने उपकरण हैं आपको कालीबंगा से मिलते हैं। तो आप देखिए, बीड्स के लिए एक शहर है, मड इक्विपमेंट्स के लिए एक शहर है, पॉटरी बनाने के लिए एक शहर है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोथल है, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट आउटपोस्ट हुआ करते थे जो ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर मेसोपोटामियंस और सेंट्रल एशिया यानी कि अफगानिस्तान रीजन के बीच में इनके साथ एक इंटरपोर्ट के तौर पर इंटर ट्रेडिंग सिटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ करते थे। जैसे मांडू एक शहर पाया गया है, वो व्यापारिक तौर पर माना गया है, वो इंटर ट्रेडिंग सिटी हुआ करता था। इस तरह से व्यापारी भेजे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अफगानिस्तान और बाकी इलाकों में, वहाँ से पत्थर रिकवर किए जाते हैं। बड़े लेवल पर हड़प्पंस लपिस लसूली नाम के ब्लू पत्थर का यूज़ करते आया है जो कि अफगानिस्तान के एरिया से रिकवर होता था। इससे पता लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत स्ट्रांग था। हाई लेवल मिनरल्स मिलना पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया में, अल्यूवियल सॉइल का होना, रिवर नेविगेशन चैनल का होना, रिवर इरीगेशनल चैनल्स का होना, अच्छे इक्विपमेंट्स का होना, अच्छे प्लॉइंग कैपेसिटी का और स्ट्रॉन्ग विलेज कल्चर कम्युनिटी का होना, ये सारी चीज़ें प्रमाणित हैं कि ये एक हाई लेवल अर्बनाइजेशन हुआ करता था। भारत ने बड़े ज़बरदस्त तरीके की अर्बनाइजेशन को रीच किया। घर आम तरीके से नहीं बनाए जाते थे, इनमें इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड नाम के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था ईंटें लगाने के लिए, और वही सिस्टम बाद में जाकर के आज पूरे वर्ल्ड ने फॉलो किया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेट्स एंड मेजर्स यूनिफॉर्म हुआ करते थे, इसलिए ट्रेड सिक्योर था, क्योंकि जब आपको पता है कि वेट्स एंड मेजर्स यूनिफॉर्म होंगे तो आपको डर नहीं है कि यहाँ पर तुला हुआ सामान वहाँ पे बहुत कम निकलेगा, वहाँ का तुला हुआ सामान आगे कम निकलेगा। इससे ट्रेड एंड कमर्स सिक्योर हुआ है। शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड दोनों अश्योर किए गए हैं। भारत में दक्षिण भारत से जैसे महाराष्ट्र और इवन कर्नाटका तक से मिनरल्स मंगवाए जाते थे और उनको जितनी भी फिनिश्ड गुड्स हैं वो प्रोवाइड की जाती थी। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, मेसोपोटामियंस, ईरान, इराक मेसोपोटामियंस, उसके बाद ईरान आगे, एंड साउथ इंडिया और सेंट्रल एशिया, इन सब के लिए हब हुआ रॉ मटेरियल एक्वायर करने का। यहाँ से रॉ मटेरियल आता था इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मेटल्स एंड जेमस्टोन्स, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्हें फिर फिनिश गुड्स बना करके इन सभी को सेल किया करती थी। इसकी वजह से मेन प्रोडक्शन हब के तौर पर यह जाना गया है। आर्टिजन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग मानी गई है, अलग अलग टॉयज से ये देखने को हमें मिलता है, बहुत सारे खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जैसे कभी ब्रिटिशर थे कि रॉ मटेरियल पूरे वर्ल्ड से आता था और उन्हें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कंज्यूम कराते थे, ऐसा ही कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने रीच किया। लेकिन 1700 का पीरियड आते हुए आप देखेंगे कि ये अल्टीमेट लेवल डिक्लाइन पे चले गए। 1500 BC में ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। डिक्लाइन होने के कई कारण रहे। ऐसा माना जाता है कि जब आप शहरों की स्टडी करते हैं, एक समय के बाद जो शहर में स्ट्रीट का डिसिप्लिन फॉलो होता था, जो शहर हैं उनका मेन एंट्रेंस स्ट्रीट की तरफ ओपन नहीं होता है क्योंकि वो प्राइवेसी को हाई लेवल मानते हैं और बाकी सेफ्टी कंडक्ट भी बहुत स्ट्रांग था। इसकी वजह से आपने देखा कि एक पैटर्न हमेशा मेंटेन रहा, लेकिन अब ऐसा होने लगा था कि वही रेजिडेंशियल एरिया है, वही कमर्शियल एरिया भी हो गया, घरों में ही व्यापार होने लगा, दुकानें खुलने लगी, तो एक तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो गई है। सेकेंड, हर घर सड़कों का एनक्रोच करता नज़र आया, सड़कें छोटी होती गई और घर सड़कों पर बनते हुए देखे हैं हमें। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, ग्रिड पैटर्न लूज़ किया गया, कई और नए पैटर्न आ गए, हैफेजर्ड ग्रोथ नज़र आई हमें नई गलियों की। पॉपुलेशन बढ़ने का नमूना यहाँ से भी दिखा कि जैसे रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ रहा था, इसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन गई, बेक्ड ब्रिक्स लगनी बंद हो चुकी थी। अब सड़कों पे ब्रेक्ड ब्रिक्स नहीं लग रही थी, नालियाँ बनानी बंद कर दी गई थी, ड्रेनेज नहीं बन रही थी, घरों के अंदर हेल्थ एंड हाइजीन के लिए जो पहले वाशरूम्स हुआ करते थे वो वाशरूम्स अब नज़र नहीं आ रहे थे, ओपन ड्रेनेज सिस्टम ऑब्जर्व होना शुरू हो गया। ये सारी चीज़ों ने बताया कि ये डिक्लाइन कर चुके हैं। इसके कारण हो सकते हैं कि एक तो एग्रीकल्चर बूम हुआ, सिटी ग्रो हुई, हेल्थ एंड हाइजीन अच्छा हुआ तो जिंदगी लंबी हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा उनका, हेल्थ इंडिकेटर्स गुड हुए तो पॉपुलेशन ग्रो हो गई। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ने रिसोर्सेज पे प्रेशर क्रिएट कर दिया और वो रिसोर्सेज अल्टीमेटली डिमांड के सामने कम पड़ गए और आप कैरिंग कैपेसिटी को आउटरीच कर गए, यानी कि आपने कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड कर दी। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर यह रहा कि नेचुरल कैलोमिटीज़ का प्रभाव रहा। कई शहरों के बारे में प्रमाण मिलता है कि अपने पीक पीरियड के दौरान भी कई बारी वो अपनी जगह को बदल चुके हैं,
कई गांव जो कई शहर जो हैं ये अबैंडन किए गए हैं, लगता है जैसे लोग नई जगहों पर जाकर के बसे हैं। इसका कारण यही था कि रिवर्स बहुत फ्रीक्वेंटली कोर्सेज बदलती थी। देखिए ये सारा का सारा डेजर्ट एरिया है, सेमी एरिड एरिया है, इसमें जब हैवी सिल्टेशन हो जाती है, आपके पास ड्रेजिंग की टेक्निक नहीं होती कि आप नदियों के बॉटम को काट करके उसका सारा मलबा यानी कि सेडिमेंट जो है वो हटा सके ताकि रिवर का चैनल मेंटेन रहे, यानी कि डी सिल्टिंग टेक्निक आपके पास होती नहीं, आप उस नदी के बॉटम को जमने देते हैं। इसकी वजह से रिवर का फॉरवर्ड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है आगे बढ़ने के लिए, और रिवर के ऊपर ही सारी इसके सारे शहर टिके हुए हैं, इसलिए रिवर का कोर्स चेंज होने की वजह से शहर भी वहाँ से उजड़ जाते थे, वो नदी के साथ ही आगे बढ़ जाया करते थे, क्योंकि सभी के सभी शहरों के साथ आपको एक नदी का नाम जुड़ा मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए लगता है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई हैं, ड्रॉट्स कंडीशंस आई हैं, फ्लड्स आए हैं, अर्थक्वेक्स आए हैं, ये सारी चीज़ों ने उनके वेरी इकोनॉमिक बेस यानी कि विलेज लाइफ को ख़त्म किया, और विलेज लाइफ जैसे ही ख़त्म हुई है तो अर्बन लाइफ भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुकी है। जो वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बॉडीज़ नज़र आती थी शुरुआत में, ऐसा लगता है कि एक पॉइंट के बाद जाकर के वो ऑटोक्रेटिक हुए हैं, और उनके उसी ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड की वजह से लोगों पे उनका होल्ड कम पड़ा है। इसकी वजह से लोग या तो परसिक्यूट करके वहाँ से परसिक्यूशन की वजह से वहाँ से भागे हैं उसे डेजर्ट करके एरिया को, या फिर लोगों ने उन ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज़ को डिसलॉज कर दिया है, इसलिए फिर यूनिफॉर्मिटी दिखनी बंद हो गई, ऑर्गेनाइजेशन दिखनी बंद हो गई। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन खत्म हो गया, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन ही बेसिस था पूरी की पूरी अर्बन एरिया का, कि रिसोर्स मोबिलाइज होंगे, ग्रेनरीज में स्टोर होंगे और सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो चीज़ें फिर दिखनी बंद हो गई। वेट्स एंड मेजर्स में माल फंक्शनिंग नजर आनी शुरू हो गई, हर चीज़ में माल फंक्शनिंग आपको शुरू होती है दिखनी, वो इसी वजह से क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड बॉडी वहाँ से शायद ख़त्म होती नज़र आती है। इसके अलावा फॉरेनर्स के अटैक हुए जिन्हें हम आर्यंस कहते हैं। 1900 BC ऑनवर्ड्स डिफरेंट सक्सेसिव वेव्स में एक एक करके जत्थे आएंगे आर्यंस के भारत, और वो धीरे धीरे आते हुए आक्रमण करने लगेंगे इन सिविलाइजेशंस पे। सिविलाइजेशन का बेस ट्रेड हुआ करता था, ट्रेड नॉर्थ वेस्ट के साथ ही मेन था और वेस्ट के साथ मेन था, और आर्यंस के एंट्री भी यहीं से होंगी, तो सबसे पहले वो ट्रेडिंग रूट्स डिसबैंड हो जाएंगे। जब ट्रेड हार्म होने लगेगा, सिटी का बेस वीक पड़ने लगेगा, तो वो सिटी उतने बड़े लेवल पर रूरल एरियाज़ को भी सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट सरप्लस प्रोडक्ट परचेज नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से डिमांड रिड्यूस होगी, डिमांड रिड्यूस होने की वजह से रूरल प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। इसकी वजह से एक लेवल पर शहर नुकसान करेंगे, दूसरा जब बड़े लेवल पर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये जो शहर हैं ये ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे फार्मर से, उसके ऊपर ज़्यादा डिमांड पोस्ट प्रोजेक्ट की जाएंगी, उतना उसे रेमुनरेशन नहीं बच रहा, यानी कि वो जितना पैदा कर रहा है उसके पास कुछ नहीं बच रहा, तो वो पैदा करना बंद कर देगा क्योंकि उसके ऊपर अब अत्याचार हो रहे हैं। इससे फिर लोकलाइजेशन आएगा, सबसिस्टेंस बेस्ड लाइफ जिंदा हो जाएगी, किसान अपने ही लेवल पे पैदा करके खाने में खुशी महसूस करेगा, बशर्ते कि वो बम्पर प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आप किसी को रेमुनरेट नहीं करेंगे तो फिर वो बम्पर प्रोडक्शन भी नहीं करेगा। तो ये टू वे इफेक्ट हुआ, एक तरफ से नॉर्थ वेस्ट कटना शुरू हुआ, ट्रेड कम करना होना शुरू हुआ, शहरों में ही कैपिटल फॉर्मेशन कम हो गया, तो फिर गांवों को सपोर्ट कैसे करें, पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा। दूसरा, गांवों से अल्टीमेट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या को फीड कराने के लिए, बदले में उन्हें उतना पे नहीं किया जा रहा, क्यों? कैपिटल फॉर्मेशन कम हो चुका है क्योंकि व्यापार कटने लगा है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो गई, इसकी वजह से लोगों ने देखा कि जब ये चीज़ें नॉन प्रॉफिटेबल हो गई हैं, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, तो उन्होंने पैदा करना कम कर दिया, तो लाइफ फिर से सबसिस्टेंस में चली गई और विलेज का सरप्लस प्रोडक्शन हार्म हो गया, तो विलेजेस वापस से प्रिमिटिव विलेज टेक्नोलॉजीज में और इनमें चले गए, और ऐसे में लगातार बाहरियों के होते आक्रमण, आर्यंस की सक्सेसिव वेव्स ने इनके सभी शहरों को, जितने भी इनके पूर्व थे, उन्हें उखाड़ करके रख दिया, और 1500 BC के अराउंड वो पूरी तरह से सफाया देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, फर्स्ट अर्बनाइजेशन का, ये ख़त्म हो चुकी थी। और अब शुरू होता है दूसरा फेज, जिसे हम कहते हैं द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। ये 600 BC से 500 AD का है, बट इसके लिए मैं आपको 1500 BC से 600 BC तक की भी कहानी सुनाऊंगा, ताकि आप 600 BC को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये आपको समझाना चाहती क्या है, 600 BC का हेड स्टार्ट हुआ कैसे, उसके लिए 1500 BC से 600 BC को समझना ज़रूरी है। ये वैदिक पीरियड है, ऋग वैदिक पीरियड 1500 BC से 1000 BC, लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BC, और 600 BC से शुरू होती है हिस्टोरिकल किंगडम्स, इन्हें हम कहते हैं द पीरियड ऑफ द जनपदास, पीरियड ऑफ द महाजनपदास। ओके, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अर्बनाइजेशन का फेज समझना है हमें, उसके लिए समझना 1500 से 600 BC। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि
हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आई हमें, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मान के चलिएगा, इस समय में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग एरियाज़ में लोकलाइज्ड कुछ कुछ सिविलाइजेशंस मिलेंगी जिनको आप उनकी पॉटरी से जानते हैं, मतलब उनके बर्तनों से जानते हैं जो व्हील पे बनाई जाती थी, पहिए पे बनती थी, पहिया घुमा घुमा करके। आपको यहाँ पर अब बर्नट ब्रिक्स का यूज़ नहीं मिलता, मड का इस्तेमाल किया जाता होगा घरों के लिए, छतें थैचेस के तौर पर डाली होती होंगी, ग्रासेस के तौर पर छत डाली जाती होगी, स्ट्रीट्स का पैटर्न नहीं ऑब्जर्व होता होगा, इसलिए ये घर के रिमेन्स भी मिले नहीं हैं। तो इन समय के आपको कोई भी टेस्टिमोनियल्स उस लेवल पे नहीं मिलते, घरों के रिमेन्स नहीं मिलते, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। इनके बारे में जानने का तरीका है इनकी पॉटरीज रिकवर होती है, उनको समझते हैं। 1500 BC के अराउंड ये पीरियड एडवेंट ऑफ आर्यंस के तौर पर जाना गया है। आर्यंस जब यहाँ पर आए वो नोमैडिक पीपल के तौर पर आए, उनका मेन एनिमल काऊ हुआ करता था और मेन एक्टिविटी ग्रेजिंग हुआ करती थी। अब जब काऊ आपका मेन वेल्थ है और उसके लिए ये है कि ग्रेजिंग करना, लार्ज ग्रेजिंग ग्राउंड्स पे अपना कंट्रोल रखना होगा और आपके पास मैक्सिमम कैटल वेल्थ होनी चाहिए। तो इस समय में बैटल्स भी कैटल के लिए हुआ करती थी क्योंकि कैटल एक वेल्थ का सोर्स है और ग्रेजिंग ग्राउंड्स कंट्रोल करने को लेके। लेकिन एक समय तक सोसाइटी जो है यहाँ पर ये बिल्कुल नोमैडिक कैरेक्टर में है, इसलिए जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कैटल की वेल्थ कितनी रेड मार के ला सकता है दूसरी पार्टी से, वो कितने ग्रेजिंग ग्राउंड तक अपना कंट्रोल कर सकता है, ये दो चीज़ों पर निर्धारित होता था कि कौन पूरे के पूरे क्लैन को लीड करेगा। तो इस समय में सोसाइटी क्लैन के बेसिस पे चल रही थी और वो क्लैन का एक लीडर हुआ करता था, जो लीडर इन दो मामलों में अल्टीमेट होता था, इसलिए वो लीडर चुना जाता था। यानी कि ये जो सारे लोग उसके साथ जुड़े हैं उसका एक पूरा क्लैन है, कुनबा है, ये उनका ये जनों का वो राजा है, जनों का वो नेता है, तो सरदार है। तो जन सिस्टम आता है, ये सिस्टम चलता रहता है और ये अभी उस लेवल पे सेटल्ड नहीं होते, लेकिन 1000 BC के अराउंड आते आते ये अब सेटल होना शुरू करेंगे। जिस भी पर्टिकुलर प्लेस में जाकर के ये सेटल होना शुरू करेंगे उस प्लेस को ये ऑक्यूपाई करके सेडेंट्री लाइफस्टाइल यहाँ पर शुरू होगा एज अ एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट। आई बात समझ में? तो एग्रीकल्चर के तौर पर चीज़ें जानी जाएंगी और ये पीरियड जनपद के तौर पर जाना जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि अब आप जो जन है उन्होंने जहाँ पे पैर रखा है वो पद होगा, उनका पैर जहाँ रखा। तो अब जो राजा है वो जनों पर रूल नहीं कर रहा, पहली बात तो उसका कैरेक्टर चेंज हो गया, वो सरदार नहीं है, राजा है। दूसरी बात, वो जनों पे शासन नहीं कर रहा, वो जनपद पे, वो टेरिटरी पे रूल कर रहा है। ऐसे में नेचुरल सी एक बात ये है कि जो कैटल है पहले वेल्थ उसमें थी, वैल्यू उसमें था, अब वैल्यू लैंड में है क्योंकि अब वो टेरिटरी को रूल कर रहा है, तो उस टेरिटरी के अंडर आने वाले सारे रिसोर्सेज उसके भी हैं। इसकी वजह से अब उसको बड़ी तेजी से अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करनी है। पहले तरीका था कि वेल्थ एक्सटेंड करने का तरीका है कि काओ लेके आओ रेड करो, अब तरीका यह है कि वेल्थ एस्टेब्लिश करनी है, आपको स्ट्रेंथन होना है, उसके लिए आपको अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो टेरिटोरियल एक्सटेंशन में अब आपको बहुत फ्रीक्वेंट बैटल्स नजर आती हैं, फाइट्स नजर आती हैं, तो युद्ध बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर इस समय में होने लगेंगे आपको देखेगा, और एक स्ट्रॉन्ग मार्शल क्लैन डेवलप होना लगेगा जो युद्धों के लिए बड़ा पारंगत होगा, जो बहुत स्किल्ड होगा। आई बात समझ में? दूसरी बात, अब आपने टेरिटरी अपने कंट्रोल में कर ली है तो आपने एक चीज़ ये देखी है कि युद्ध आपको लड़ने हैं, युद्धों के लिए आपको एक सेना की आवश्यकता है। सेना तब खड़ी की जा सकती है जब आपके पास एक रेवेन्यू का सोर्स आए। इस समय तक रेवेन्यू जो है वो उस लेवल पे लिवाई नहीं होता था जैसा इसके बाद होगा। इस समय तक भाग हुआ करता था, बलि हुआ करता था, इस तरह के टैक्सेस हुआ करते थे, लेकिन भाग और बलि भी राजा को तभी मिलेगा जब लोग अच्छे लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे। इसकी वजह से अब एक नीड पैदा हुई कि एक लेवल पर सेटल्ड लाइफ होनी जरूरी है और वो सेटल्ड लाइफ जो है वो पीसफुल हो सके, लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। इसकी वजह से मेन रिसोर्सेज अपने कंट्रोल में होने चाहिए, तो इन रिसोर्सेज के लिए युद्ध होते थे और वो रिसोर्सेज टेरिटरी से जुड़े हुए थे। तो जितनी टेरिटरी कंट्रोल में होगी उतना रूलर स्ट्रेंथन्ड होगा। इस तरह से जनपदों का विकास होना शुरू हो गया, लोग टिक के रहने लगे, एग्रीकल्चरल ग्रोथ होने लगी। ये एक लेवल पर हो रहा है, अभी तक आयरन का एडवेंट नहीं हुआ है। अब आप ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा, टिन रिकवर नहीं हो रहा, कॉपर आपको नहीं मिल रहा क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी में आप नहीं हैं। जो भी एक्टिविटी हो रही है वो वुडन प्लॉशेयर्स के साथ हो रही हैं। इवन बड़े लेवल पर प्लॉशेयर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हल इस्तेमाल नहीं हो रहा, हो के साथ आप काम कर रहे हैं, वुडन हो, आप कस्सी के साथ, कई के साथ खेती कर रहे हैं। उससे आप सिर्फ सरफेस लेयर की मड को ही, सॉइल को ही टर्न कर सकते हैं और बहुत शैलो लेवल एग्रीकल्चर होगा, लेकिन फिर भी एक सेडेंटरी लाइफ दिखने लगती है, एक सेटल्ड लाइफ नज़र आती है। इस समय में जो आपको सिटीज़ नज़र आएंगी वो सिटीज़ उतनी विकसित नहीं है,
यहाँ पर आपको एक हैफेजेड सेटलमेंट नज़र आएगी। हैफेजेड सेटलमेंट ये है कि आपने बैठ करके एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के थ्रू प्लानिंग नहीं की है स्ट्रीट्स की, ड्रेनेज पैटर्न की, हाउसेस की। ये तब हो सकता था जब आप ट्रेड एंड कॉमर्स में बड़े स्ट्रांग होते, तब ये चीज़ें आती हैं, सिविक सेंस उन चीज़ों से डेवलप होता है। लेकिन इस समय में जिसको जैसी जगह मिल रही है वो उस जगह को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पर अपने रहने का बसेरा बना रहा है। तो यहाँ पर बसेरा सिस्टम है, एक प्लानिंग सिस्टम के थ्रू टाउन डेवलपमेंट नहीं है, ये बसेरा है। जिसने जिस जिधर रैन बसेरा बना लिया वो उधर ही रहना शुरू हो गया। आई बात समझ में? इसके तहत आपको एक हैफेजेड सी ग्रोथ नजर आएगी। रूलर जो है वो पहले अपने जन से घिरा रहता था, जन उसके सराउंड रहते थे, अब वो जो रूलर है जनपद ऐसे बना रहा है कि उसके लोगों के घर भी उसके अराउंड ही बने हों। तो रूलर का आपको मेन एरिया में पैलेस नजर आएगा और उसके सराउंड ही आपको उनके लोगों के घर भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। आई बात समझ में? बहुत स्ट्रांगली। तो ये बहुत कम्पैक्ट सेटलमेंट्स हैं, नैरो स्ट्रीट्स हैं, वाइड स्ट्रीट्स नहीं है। वाइड स्ट्रीट्स की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? ट्रेड एंड कॉमर्स तो नहीं है। वाइड स्ट्रीट्स की आवश्यकता तब बनती है जब हमें बड़े मार्केट टाउन्स बनाने होते हैं। मार्केट टाउन्स इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर शॉप्स एस्टैब्लिश करनी होती हैं। वो इसलिए एस्टैब्लिश करनी होती हैं क्योंकि हमें बड़े आउटलेट्स खोलने पड़ते हैं। आउटलेट्स तभी खोलने हैं जब लोगों में उस लेवल पर कंज्यूमर गुड्स की मांग है, चीज़ें मांग कर रहे हैं। वो तभी लोगों की कंजम्पशन की बास्केट इतनी डाइवर्सिफाई होती है जब लोगों की लाइफ सस्टेनेंस से ऊपर उठ कर गया है। जब लोग सस्टेनेंस के लेवल पर ही जी रहे हैं तो उनकी डिमांड की बास्केट उतनी डाइवर्सिफाई कभी होगी नहीं। उनकी मांगे बड़ी बुनियादी सी हैं और बुनियादी मांगे अपने ही लेवल पर पूरी हो रही हैं, तो वो एक तरह की सबसिस्टेंस लाइफ है। लेकिन इस सबसिस्टेंस लाइफ के तरह रहते हुए भी जो वो पैदा कर रहे हैं उसका एक भाग कर के रूप पर या बलि के रूप में, बलि और भाग कर के रूप में, टैक्स के रूप में वो राजा को भेंट कर रहे हैं। और राजा समाज को चलाए रखे उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल आस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि वो यज्ञ पद्धति करता है, यानी कि बड़े लेवल पर वो यज्ञास और यज्ञ ऑर्गेनाइज करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि यज्ञ ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अब जब फॉरेस्ट क्लियर होंगे तभी वो लैंड अंडर एग्रीकल्चर आ पाएगा, तभी वो लैंड लोगों के रहने लायक बना पाएगा। तो हॉस्पिटेबल कंडीशन में लैंड को लाना, उसके लिए जंगलों का सफाया होना जरूरी है। तो जंगल सफाए होकर के कहाँ जाएंगे भाई? यज्ञ में ही जाएंगे, लकड़ियाँ पहली चीज़। और दूसरी बात, यज्ञ कराने की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए भी उत्पन्न हो रही है कि सभी लोग जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे मोबिलाइज करना जरूरी है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे होगा? तो यज्ञ ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी राजा के आधार पर है। ये एक तरह से समाज को चलाने का काम भी है कि अर्थतंत्र कैसे चलेगा। तो अर्थतंत्र यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम यज्ञ पे बेस्ड है। यज्ञ में घी डलेगा, यज्ञ में दही, यज्ञ में शहद, यज्ञ में ही कई तरह की बने हुए प्रोडक्ट, पूड़ी है, चने हैं, सब कुछ ये आपको लेकर के आना है। ये आपको कॉन्ट्रीब्यूशन है एक तरह का। और यज्ञ इतनी चीज़ों की मांग बनाता है, डिमांड रेज करता है। तो इसकी वजह से जब वो डिमांड रेज होगा तो हर कोई वो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। तो एक तरीका यज्ञ है इकोनॉमी को चलाने का, और दूसरा तरीका यज्ञ है ये भी कि कौन कितना बड़ा राजा है। पहली बात, वो राजा है भी कि नहीं है, तो उसका राजा होना, उसका प्रतापी होना। इसलिए इस समय में जमीन पर हक तय होने का तरीका डिपेंड करता था इस बात पे कि आप कैसा यज्ञ करते हैं, वो आपका जमीन पे होल्ड बताती थी। तो एक यज्ञ इस समय में ऐसा हुआ करता था जिसे हम वाजपेयी यज्ञ कहते हैं, जो बहुत भव्य यज्ञ होता था, जो ये स्थापित करता था कि आप इतने बड़े राजा हैं। और दूसरा यज्ञ इस समय राजसूय यज्ञ होता था, जो आपका राज्य अभिषेक इन चीज़ों से जुड़ा होता था। और सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ जो आपकी टेरिटोरियल लिमिट को बताता था, वो था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के तहत आप घोड़ा दौड़ा करके ये देखते थे कि कितनी टेरिटरी का आपका घोड़ा बिना चैलेंज के दौड़ गया। जहां पर उसे चैलेंज मिलता है, जिसे भी आपत्ति है आपकी अथॉरिटी से, घोड़े को रोके, फिर आपके साथ उसे बैटल करनी होगी। बैटल में अगर वो परास्त होता है तो फिर वो क्षेत्र भी आपका हुआ। इस तरह से यज्ञ ही बेसिस है उसकी पोजीशन की प्रोजेक्शन के, राजा की। यज्ञ ही बेसिस है इकोनॉमी के चलने, यज्ञ ही बेसिस है चुनने के, कि राजा चुना कैसे जाए। इलेक्शन तो हो नहीं सकते, तो जो जितने भव्य यज्ञ ऑर्गेनाइज कर सकता है वही राजा है, क्योंकि यहीं से फिर पुरोहितों को उनका रोजगार मिलता है, ब्राह्मणों को उनका रोजगार मिलेगा। और यही पुरोहित हैं जो समाज को ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे, क्योंकि सोसाइटी को अगर सिविलाइज्ड करना है तो आपको एक ऐसी बॉडी चाहिए जो लोगों में सेंसिटाइजेशन करे।
किस चीज़ को लेके, जंगलों को लेके, रिसोर्सेज को लेकर के, रिवर को लेकर के, सोसाइटी में आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन एस्टेब्लिश होने चाहिए। तो ज्ञान का आधार यहाँ पे पुरोहित ब्राह्मणों को माना गया है, उन्होंने ही रिसोर्सेज की वैल्यू बताई, नदियों का जिक्र करते हुए इरिगेशन का महत्व बताया, ज़मीन की फर्टिलिटी की कंडीशन को बताया, उन्होंने ही ऋतुओं का पता किया, जितने भी मौसम हैं उनको समझा, उन्होंने ही जितना भी यज्ञ